फ्रेंड्स, अगर आपका भी बेली साइज काफी ज्यादा है या आपका जो पेट है वो आगे की तरफ लटका रहता है तो इसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि आपकी बेली पे पेट पे फैट बहुत ज्यादा है और दूसरा आपकी पेट की मसल्स कमजोर हो चुकी हैं तो वो उस फैट को होल्ड नहीं कर पा रही हैं जिससे वो पेट ऐसे आगे की तरफ लटका रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 3 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके इस फैट को कम भी करेंगी और साथ ही साथ आपकी जो लूज स्किन है या जो आपकी तोंद आगे को लटकी रहती है उसको भी कम करने में आपकी काफी हेल्प करेंगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई जंपिंग नहीं है, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर अभी आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं तो आप मेरे साथ साथ में कीजिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए ताकि बाद में आप इस वीडियो को प्ले करके साथ में एक्सरसाइज कर सके। साथ में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे और ये कितने इफेक्टिव है ये भी आपको पता चलेगा। तो पहले आप एक्सरसाइज करिए, किसी भी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है वीडियो को वहीं पे पॉज करके नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइजेस इफेक्टिव लग रही है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप इस तरीके से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए आपको तीनों एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, तो पहले आप ब्रीथ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सीधे खड़े होंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरह से, बिल्कुल उंगलियां भी आपको एकदम स्ट्रेट रखनी है, कोहनियां स्ट्रेट रखनी है, सीधे बिल्कुल सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा इस तरह से जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं, सांस अंदर भरेंगे पूरा ऊपर इस तरह से हाथों को लेके जाएंगे, सीधा हाथों को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जहां तक आप आराम से रीच कर सकते हैं वहां तक रीच कीजिए, यहां तक अगर आपके हाथ आ रहे हैं तो आप यहीं पे रुक जाइए, और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे जाइए, आगे हाथों को टिका सकते हैं तो आगे हाथों को टिकाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथों को आप यहाँ पीछे इस तरह से टिका लीजिए। कहने का मतलब है जहां तक आप कंफर्टेबल हो वहां तक आपको आगे झुकना है, इस तरह से पूरी सांस मुंह से बाहर छोड़ते हुए। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको ये 5 बार करना है। सो लेट स्टार्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर निकालिए, 3 ब्रीद आउट, 4 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 5 ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड जस्ट रिलैक्स। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये 5 बार करना है और बाद में आप इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए 20 काउंट्स तक, और इसी एक एक्सरसाइज के आपको 3 राउंड लगाने हैं। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए मैट पे आराम से बैठ जाएंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आराम से इस तरीके से पीछे लेट जाइए, पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब धीरे से अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। अब अपने हाथों को आपको 3 बार स्विंग करना है, 1, 2, 3, और पैरों को सामने एकदम सीधे खोल देंगे एंड बैक, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखाई देगी एक्सरसाइज, 1, 2, 3 किक, 1, 2, 3 किक, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के भी हमें 5 रेपिटेशंस करने हैं। सो टेक पोजीशन, अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे एंड लेट स्टार्ट, 1, 2, 3 किक, 1, 2, 3 किक, 1, 2, 3 किक, 1, 2, 3 किक, 1, 2, 3 किक एंड रिलैक्स। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। तो अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको करने के लिए आपको इस तरह से पोजीशन लेना है। अपनी हथेलियों को बिल्कुल अपने कंधों के नीचे रखेंगे, इस तरह से उंगलियों को चौड़ाई में खोल लेंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे ऐसे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे ऐसे। यहाँ पे आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, कोशिश कीजिए कि अपनी एड़ियों को आप नीचे लगा लें इस तरह से स्ट्रेच, और फिर आपको इस तरह से सामने पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर ऐसे। घुटनों को कोशिश करें कि नीचे ना लगाएं, पूरी बॉडी को ऊपर रखें इस तरह से, सिर्फ आपकी हथेलियां और पैर के अंगूठे नीचे रहेंगे। स्लोली अगेन अप, अगेन स्ट्रेच, ठीक है। इसमें आपको ब्रीदिंग कैसे करना है, यहाँ पे जब आप होंगे
ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए गर्दन को। जितना ज्यादा आप अपने सर को पीछे स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो पूरा स्ट्रेच होंगी, आपकी फेस की मसल्स स्ट्रेच होंगी, पूरा नेक मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, जिससे कि आपकी जो यहाँ की लटकी हुई स्किन होती है, चाहे आपके ये डबल चिन का आपको प्रॉब्लम हो या आपकी नेक की जो स्किन लूज हो जाती है उसका प्रॉब्लम हो या आपको पेट की लूज स्किन का प्रॉब्लम हो, सब जगह की लूज स्किन इस एक एक्सरसाइज से फिक्स हो जाएगी। तो चलिए इसके भी हम 5 रेपिटेशंस करेंगे। सो हाथों को आगे रखिए, टोस को नीचे टक कीजिए, स्लोली लिफ्ट अप, ऊपर आइए इस तरह से, पैरों के बीच में गैप, एंड लेट स्टार्ट मूवमेंट। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, एंड 5 बैक, एंड रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, इन तीनों एक्सरसाइज को आप ट्राई जरूर कीजिए, रिजल्ट्स आपको कैसे मिले कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।